नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार यह चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे एक बार प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह मुद्दा है PCS प्री 2021 का जो फाइनल रिजल्ट है वो कितनी सीटों पर आएगा और उसमें SDM की कितनी सीटें हैं, नए अध्यक्ष के आने के बाद से अध्यक्ष ने क्या दिशा निर्देश जारी किया है, इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा नंबर वन जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मेरे पास सूचना है मैं उसी आधार पे बताऊँगा, और जो मेरे पास सूचना है PCS का जो फाइनल रिजल्ट आना है वह लगभग 750 से लेकर 800 के आसपास का आना है। इतनी बम्पर सीटें हैं, 750 से लेकर 800 के आसपास आना है, जो कि नए चेयरमैन ने जितनी भी लंबित भरते मतलब कि सीटें थी और जो इनको ऐड नहीं किया जा रहा था उसको ऐड करने का दिशा निर्देश दिया है, ऐसी मेरे पास एक पुख्ता सूचना है। नंबर वन। नंबर दो, लगभग 100 से 125 सीटें, आपको हास्यास्पद लगेगा, आश्चर्य करने वाला लगेगा, लेकिन मेरा जो मुझे अनुमान था वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे पास सूचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, SDM की हैं। और लगभग 80 से 85 सीटें अब की बार आपकी डिप्टी SP की सीटें कम हैं, DYSP की सीटें कम हैं, और लगभग 100 के ऊपर आपका ARTO की जगह है। इसी तरीके से करके जो सीटें हैं उनमें वृद्धि हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि 700 से 800 के आसपास इन सीटों को आना है। फाइनली अगर 700 भी आता है तो भी पर्याप्त है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको मालूम है कि यह एग्ज़ाम अक्टूबर में चला गया है, सितंबर अक्टूबर में, और आपके पास एक अच्छा समय है, समय का सदुपयोग करें। और ऐसा उम्मीद भी जताया जा रहा है कि आगामी एग्ज़ाम में हो सकता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया जाए, क्योंकि जो स्केलिंग का मुद्दा है वह एक ऐसा मुद्दा है, एक जटिल मुद्दा है। यह समझिए कि इसराइल और हमास का जो मुद्दा है वह सरल मुद्दा है, लेकिन जो स्केलिंग का मुद्दा है वह हमास इसराइल के मुद्दे से भी जटिल मुद्दा है। तो इस जटिल मुद्दे का समाधान ही एक ही हो सकता है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दें, और जैसा कि सूचना मिल रही है इस पर आयोग सख्त है कि स्केलिंग का एक मतलब दुष्प्रभाव पड़ा है अन्य मानविकी विषयों को लेकर, जिसमें बहुत सारे बच्चों का नहीं हो रहा है, और इसलिए ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि यह जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आगामी एग्ज़ाम में हटा दिया जाएगा। जो मेरे पास सूचना थी मैंने आपको शेयर किया, आपको अच्छा लगे तो आप भी शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।